तीनों पंचायतों में पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है कि मनी नदी में पानी सूख गया, पानी सूख गया। इसी प्रकार हम लोगों को छिटका बन जाए। मुंगेर के कलेक्टर सीओ वीडियो तक ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए। हम अपना जमीन देंगे, मुखिया क्या करेंगे, इसलिए हम लोगों का मौत हो रहा है। दुर्गेश बाबू, हमारे नाला में एक छिटका बनवा दी, गंगा में बह कर चला जाता है। दिन से पानी सूखा हुआ है, फसल का मौत हो रहा है। प्रखंड का मालिक क्या हमारे ऊपर निगाह नहीं देंगे? कल्याणपुर टू भोरघट पंचायत में हमारी जमीन पड़ता। मुंगेर के बरियारपुर प्रखंड कररिया पश्चिमी पूर्वी दक्षिणी क्षेत्र घोरघट होल्ड के सामने सामने बराबला मनी नदी में पानी सूख गया आज से लगभग 10 दिन पहले से। तो पानी सूखने से यहाँ के स्थानीय किसानों में काफी त्राहिमान मच गया है। त्राहिमान मचने से लगभग हजारों 2000 एकड़ में फसलें, जंडा गेहूं, कई अन्य तरह की फसलें पानी के वजह से सूखा मर रहा है, बर्बाद हो रहा है। हमारे पंचायत के एक बुजुर्ग बाबा जुड़ चुके हैं, मनी नदी के किनारे फसल लगा हुआ है, इन बाबा के खेत पानी की वजह से सूखा मर रहा है। क्या बाबा आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है, किस तरह की समस्या है बताया जाए? प्रॉब्लम तो ये है कि हम लोग कल्याणपुर टू भोरघट पंचायत में हमारी जमीन पड़ता है। हाँ। और इसमें मक्का लगा हुआ है, हजारों एकड़ में मक्का लगा हुआ, पानी के नहीं कारण से हम लोग क्या कर पाएंगे? हमारा फसल सूख रहा है, क्या प्रखंड का मालिक क्या हमारे ऊपर निगाह नहीं देंगे? अगर नहीं देंगे तो हम लोगों के लिए किसान को देखने वाला कौन है, और किसान को खाने वाला सब है। तो हम लोगों पर ध्यान रखा जाए, अगर नहीं रखेंगे तो हम लोग भूखे मरेंगे। अच्छा लगेगा ना आप लोगों को, इसलिए हमारे ऊपर निगाह दीजिए। जो कि देखिए अभी वर्तमान में आपको दिखा रहे हैं कि इस वीडियो में देखिए फसल कैसा लगा हुआ है, और इस फसल का मौत हो रहा है। इस मौत पर ख्याल कीजिए हुजूर, तब ही काम चलेगा, क्योंकि अन्न ही खाते हैं आप, पैसा नहीं खाते हैं, हम लोग अन्न उगाते हैं। इस अन्न पर अगर निगाह डालेंगे तो आगे और काम बढ़ेगा, इसलिए आप लोग ध्यान दें। हमारे नदी सूख चुका है, देखिए नदी में क्या पानी है, है पानी नहीं? हुआ नहीं, पानी तो कितना दिन से सूखा हुआ है? अरे लगभग रखिए 15 दिन से पानी सूखा हुआ है। देखिए इस तरह का समस्या कब से है बना हुआ है बाबा? ये समस्या बहुत दिनों से है, इसलिए कि हमारे जो ऊपर का अफसर लोग हैं इन पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए कि ऊपर से पानी आते हैं, हमसे जो ऊपर है वह बोरा बंधन करके किसी तरह सिंचाई कर लेता है। नीचे वाला का जो पानी आता है गंगा में बह कर चला जाता है। यहाँ का न कोई रोक है ना ब्रेक है, पानी का क्या नतीजा है? हमने दुर्गेश बाबू को बोले थे, दुर्गेश बाबू हमारे नाला में एक छिटका बनवा दीजिए, लेकिन आज तक कोई ध्यान नहीं दिया है। और एवं प्रकार से कितना बार हम लोग बोले, मुंगेर में असेंबली लगा था, वहाँ भी इनका बात रखे थे हम, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं, इसलिए हम लोगों का मौत हो रहा है। बाबा कुछ व्यक्ति पक्ष विपक्ष आदमी ने बोलता है कि मुखिया 15 साल रहा तो नाला छिटका नहीं बनवाए, तो इसमें मुखिया क्या करेगा? देखिए कुछ ऐसा बात सामने आया है कि जहां पर नाला छिटका बनने का रहता है तो वहां के स्थानीय किसानों ने नाला छिटका नहीं बनवाने देता है, जिसके कारण से पानी की वजह से किल्लत होती है, फसलें कई तरह की बर्बाद होती है। पिछले कई वर्षों से लेकर आज तक फसल सूखा मरते हुए आ रहा है, भुखमरी मरता हुआ आ रहा है, लेकिन वो किसान नाला छिटका क्यों नहीं बनाने देता है? मुखिया के नाम क्यों लेता है? विधायक को क्यों नहीं बोलता है कि वो विधायक जैसे हो तैसे बनवाए? मुखिया क्या करेंगे, बात सत्य है, हम लोगों के ऊपर विधायक ध्यान दे। और अगर ऐसा नहीं हो तो मेरा भी जमीन है नदी पर, मेरा नाम रामविलास मंडल है, हम अपना जमीन देंगे और आप छिटका बनवावे। चलिए वाह, आपसे जुड़कर बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे स्थानीय किसानों को बहुत अच्छी सूचना दिए हैं, अच्छी खबर रखे हैं। उम्मीद करते हैं मुंगेर के कलेक्टर सीओ वीडियो तक ये वीडियो आप लोग शेयर कर दीजिए, ताकि पिछले कई वर्षों की सौगात हो सकते हैं आने वाली कल में आपको मिलने वाली है। हाँ हाँ, क्या नहीं, हम तो इसका ललायत हैं, किसी प्रकार हम लोगों को छिटका बन जाए, जो कि पानी का रोक रोका ठहराव हो जाए, हम लोग पटावें। और सुनते हैं कि ट्रैक्टर भी आने जाने में भारी
लंबा चक्कर घूमकर आना पड़ता है, सही समय पर ट्रैक्टर भी नहीं मिलता है, उसका भी पुल निर्माण हुआ जाए। पानी अगर हम लोग किसी तरह रोक भी लेते हैं तो ट्रैक्टर का मतलब आना जाना बंद हो जाता है। चलिए वाह, अब फिर मिलेंगे किसी दिन, तब तक देखिए कब तक पानी आता है। तीनों पंचायतों में पूरा ट्रेंडिंग चल रहा है कि मनी नदी में पानी सूख गया, पानी सूख गया। पानी सूखेगा नहीं तो क्या होगा? घोरघट के सामने सामने जो बड़ा वाला मनी नदी है, इस मनी नदी पर आज तक कोई छिटका नाला बांध नहीं बना है, जिसके कारण से यहाँ से पानी ससर के नदी में बह जाता है। तो ऊपर में जो जिन किसानों का खेत है वो क्या करेगा? वो पानी वहाँ से रोक लेता है, पानी रोक लेता है, बाकी बात निचला एरिया वाला के खेत सूखे या पटे या गंगा नदी में बह जाए, उससे कोई लेना देना नहीं रहता। उसका ये मतलब रहता है कि हम अपने खेतों की संरक्षण सिंचाई कैसे करें, उसको इससे मतलब रहता है, ना कि पानी गंगा नदी में बहाने देगा। चलते हैं, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना सा।